तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जय लाइफ स्टाइल कंपनी के बारे में। दोस्तों अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, अगर आपने इसमें फ्री में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको पता होगा जिन लोगों ने भी फ्री में रजिस्ट्रेशन कराया है उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए कुछ पैसे देने होते हैं और वह पैसे किस प्रकार देने होते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने जय लाइफ में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से रजिस्टर कर लीजिए। इसके बाद अकाउंट वेरीफाई कैसे करना है इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट का वेरीफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए और आप जिस अकाउंट से पैसे कटवाना चाहते हैं उसका आपके पास एक एटीएम कार्ड होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। आप उस फोटो को अपने फ़ोन से भी खींच सकते हैं और फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल एक ही कलर का होना चाहिए। दोस्तों फ़ोटो उसी का होना चाहिए जिसका पैन कार्ड हो, जिसका अकाउंट हो। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र खोल लेते हैं और हमें यहाँ पर सर्च करना है जय लाइफ स्टाइल। दोस्तों आप लिंक में, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। दोस्तों यह देखिए, हम जय लाइफ की वेबसाइट पर क्लिक करते हैं सबसे ऊपर ही, तो हमारे सामने जय लाइफ की जगह यह देखिए, हमें नीचे आना है और आपको माय अकाउंट में ओवरव्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों आप लॉगिन भी कर सकते हैं अपनी यूज़र नेम डालकर और पासवर्ड डाल के, तो आप देख सकते हैं हमारा यह अकाउंट लॉगिन हो चुका है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो हमारा पर्सनल वेरिफिकेशन है, योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाई। दोस्तों हमारा अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं है, तो हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो आपको रेड रेड दिख रहा होगा यह देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए कुछ गाइडलाइन पढ़ने के लिए आती हैं। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर नीचे क्लिक कर देंगे, यह देखिए दोस्तों अब हमें ओके पर क्लिक करना है, तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। यह हमसे परमिशन मांग रहा है, तो दोस्तों हम इसे ओके कर देते हैं तो हमारे सामने अब नया पेज आ जाएगा। आपको ऊपर दिख रहा होगा पेमेंट लिखा हुआ। दोस्तों इसके नीचे आपको दिख रहा होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपल, बैंक ट्रांसफ़र। दोस्तों आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर क्लिक रहने देना है। आपको नीचे दिख रहा होगा चूज द, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप अपने देश की करेंसी के हिसाब से अपनी कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम इंडिया से हैं तो हम इंडियन रुपीज़ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने बैलेंस आ चुका है कि हमारा कितना बैलेंस कटेगा। हम पे नाउ पर करते हैं, इसके बाद हमारा नया पेज ओपन होगा, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सामने नया पेज ओपन हो चुका है जिसमें हमें कार्ड की इन्फॉर्मेशन भरनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों पहले वाले बॉक्स में हम अपने कार्ड, क्रेडिट कार्ड का 16 अंकों का नंबर डालते हैं और आपको MMYY दिख रहा होगा। यहाँ पर हम एक्सपायर डेट डालेंगे, जो महीना और साल है, और लास्ट में हम CVV डाल देंगे। इसके बाद हमें नीचे वाले बॉक्स में हमारे कार्ड पर जो भी नाम है हमें वह नाम डालना है, और इसके बाद हम जिस देश से भी हैं हमें उस देश का नाम डालना है। दोस्तों हम अपने कार्ड की जानकारी आपको शेयर नहीं कर सकते, तो दोस्तों हम इसे ब्लर कर रहे हैं। हमारे कार्ड की सभी जानकारी भरने के बाद हमें नीचे पे वाला ऑप्शन दिखाई देगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं हमें थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलती हुई दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका डेबिट कार्ड है तो आपके पास OTP आएगा, तो हमारा क्रेडिट कार्ड है तो हमारे पास OTP नहीं आया है, तो हमारा यह है, आप देख सकते हैं परचेज सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों यह देखिए अब हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास नया पेज खुलेगा और यह देखिए कंप्लीट वेरिफिकेशन हो चुका है और हमारे पास OTP आया था एक, जो कि अपने आप वेरीफाई हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर नाम डालना है, जो भी नाम आपका ID में है तो हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं, और नीचे कंट्री आपकी अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी या आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आपको दूसरा स्टेप मिलेगा, यह देखिए आपको यहाँ पर अपना ID डॉक्यूमेंट लगाना है, जो कि आप पैन कार्ड लगा सकते हैं। दोस्तों अगर यह देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है कई बार। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको किस प्रकार से करना है, आपके पैन कार्ड का फ़ोटो जरा भी आढ़ा नहीं होना चाहिए और दोस्तों एकदम साफ़ फ़ोटो होना चाहिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों आप अपने पैन कार्ड का फ़ोटो खींच भी सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में फ़ोटो है तो आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हमने यह फ़ोटो ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ी लोडिंग चलेगी, इसके बाद हमारा फ़ोटो का ठीक होगा तो यह फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। दोस्तों यह देखिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सक्सेस अपलोड हो चुका है यहाँ पर। अब यह देखिए हम एक बार फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, और इस बार हम अपना खुद का फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर हम खुद का फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो हमारे पीछे एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर हमारा फ़ोटो फ़ोन में खींचा हुआ पहले से ही है तो हम अपने फ़ोन में से भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने फ़ोटो को फ़ोन में से ऐड कर लेते हैं, यह देखिए आप सेल्फी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने फ़ोटो को जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक फ़ोटो अपने फ़ोन में से ऐड कर लिया है, यह देखिए हमारे पास यहाँ पर लोडिंग चल रही है।
हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों। अगर हमारा फ़ोटो सही होगा तो यह अपलोड हो जाएगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा फ़ोटो सही था और यह सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली। दोस्तों हम फिनिश करते हैं अब यहाँ पर। दोस्तों फिनिश पर क्लिक करते ही हमारे सामने नया पेज आ चुका है, आप देख सकते हैं हमारा ब्राउज़र चेकिंग हो रहा है और 5 सेकंड के बाद यह हमें रीडायरेक्ट वहीं उसी पेज पर पहुंचा देगा जाए लाइव वाले पर। दोस्तों आप देख सकते हैं हम फिर से उसी पेज पर आ चुके हैं। यह देखिए हमें फिर से ओवरव्यू में जाना है, हम अपने अकाउंट में पहुँच जाते हैं फिर से। हमारा अकाउंट देखिए वही अकाउंट खुल चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा अकाउंट वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है और हमारा यह अप्रूव हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको ऊपर दिख रहा होगा। दोस्तों आप भी अपने अकाउंट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके यहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।